क्यों बोल रहा हूं ऐसा बच्चों, लेक्चर वन जो है ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत क्रूशियल इसलिए हो जाता है कि मानो कि लेक्चर इनकम्प्लीट रहा तो हम लोग का जो एक 43 क्वेश्चंस का होमवर्क शीट है वो होमवर्क शीट में क्वेश्चन फिर मार्क करवाने पड़ेंगे, ये वाला करो ये वाला मत करो लाइक दैट ओके। और अगर हम लोग एक टू द पॉइंट आराम आराम से पढ़ेंगे, दौड़ने लगेंगे बिल्कुल भी टू द पॉइंट, जैसा कि हर साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 आवर हम लोग अगर ठीक से पढ़ाई करें तो हम लोग को जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा हमारा आज का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो पूरा हो जाएगा, टाइम बचेगा तो हम लोग आज जेंसन और एक ग्राफ जो बचा हुआ है तुम लोग का वो पूरा कर देंगे। जेंसन से क्वेश्चन बच्चों हमारे, मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था, किया हुआ है हमारा, सिर्फ एक छोटा सा इधर दिखाना है तुम्हें बोर्ड पे कि उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, 3-4 क्वेश्चन भी सिखा दूंगा मैं, है ना। और ग्राफ एक जो बनाना है बच्चों, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स अभी तो हम लोग बहुत सीखने वाले हैं ग्राफ्स, ग्राफ्स का मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजना है वो बाकी बचा हुआ है। पहले मुझे वेरीफाई करो आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम का लेवल 1 2 3 पूरा कर दिया है कि नहीं कर दिया है। सर यस सर हो गया, कर दिया है, और फीडबैक भी दे दो एक बार। लेवल 1 बहुत इजी है, लेवल 2 और 3 थोड़ा सा लेंदी है यस सर, लेकिन ऐसा कुछ है कि लेवल 2 3 में कुछ बना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा कुछ है किसी के साथ में? नो सर। अच्छा उसको अगर किसी ने नहीं बनाया ना तो मेरा रिक्वेस्ट है, देखो मार्क्स लाने हैं ना तब रिक्वेस्ट मान के चलो, कर ही लेना क्योंकि अभी आज के बाद में तुम बहुत टाइट हो जाओगे। तुम्हें मैंने बाइफरकेशन बताया था याद है ना, कितने टाइम में अब लेक्चर में अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो अगर अभी तुम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम का लेवल 1 2 3 नहीं निपटाया और जो होमवर्क दे रहे हैं वो नहीं किया ना, तो फिर अब तुम ये मुझे नहीं कह सकते कि सर बैकलॉग बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो लेवल पे अभी आ गए हैं ना। अरे 1 एक्सरसाइज करने में 2 घंटे लगेंगे, जिस दिन दूंगा ना उसके बाद 1 2 घंटे का काम कोई भी 1 वीक में कर सकता है यार, दैट इज नॉट द बिग इशू एक्चुअली। सो जो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ओनली, एंड डेफिनेशन यू गाइज हैव ऑलरेडी डन इट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके लिए अलग मेरे हिसाब से रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, राइट। सबसे पहले तो ये ही लिखते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमारा किया हुआ है, फॉर्मली इतना कुछ लिख रहा हूं वैसे मैं, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा विजिबिलिटी इश्यू तो नहीं है, पहला लेक्चर बोर्ड पे हो रहा है अभी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों दिस इज एंटी डेरिवेटिव, ये हम लोगों ने पहले कर लिया है, सिर्फ एलिमेंट्री फॉर्मूलाज को मैनिपुलेशन वाला पार्ट हम लोग को आज करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करो। इफ समवन इज आस्किंग, ये रफ है बच्चों, इसको मैं इरेज करूंगा। इफ समवन इज आस्किंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट इज आस्किंग बच्चों, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर आता है, दिस इज व्हाट इज आस्किंग, बराबर ना, इसको डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर आता है। देखो सिर्फ एक्स क्यूब बाई 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर, यू हैव टू राइट ऑल द फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन इज एक्स स्क्वायर। सो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं भले भूल जाऊं किसी क्वेश्चन में, आप लोगों को हर बार ध्यान रहना चाहिए, राइट। यही डेफिनेशन पे डिपेंडेंट आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो ईमानदारी की बात यह है कि आज का लेक्चर मेरा नहीं तुम्हारा है, कैसे मतलब, मैं छोटा सा सिखाऊंगा तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है। तो हर बच्चा अगर ये डिसाइड करे यार, जो बच्चे अभी है ना उनको ले लो बाद में दिक्कत आएगी उनको, हर बच्चे को क्या डिसाइड कर रहा है आज कि जितनी देर का लेक्चर हम लोग का चलेगा, इनडेफिनेट के 6 फॉर्मूलाज है बच्चों जो हमको आज पूरे करने हैं, उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में मिल जाएंगे। तो तुम लोग को आज अपना बेस्ट कैसे देना है कि बोर्ड पे जो लिखा जाए वो इजी है टफ है उससे मतलब नहीं है, तुम्हें मिनिमम टाइम में उसको करना है। और अगर किसी को लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम का लेवल 1 2 3 में से जो बचा हुआ वो कर लो बच्चों, या फिर बुकलेट का एक्सरसाइज 1 2 3 मतलब 1A 1B 1C ये तुम लोग को करना है, तो वो ओपन करके बैठो साथ में, वो साथ में करते रहो, लेकिन सब बच्चों को मेरे को टाइम देना है एक्चुअली इसमें, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव में दिस इज वन थिंग, इसको बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तुम लोग बच्चों एक बात बताओ,
एक्स क्यूब बाई थ्री का ग्राफ तो बनाया हुआ है ना तुम लोग का? अब बताओ उसमें सी ऐड कर दिया का मतलब तो फैमिली ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री बन जाएगी ना भाई। सी को जितना ऊपर नीचे करोगे बहुत सारे ग्राफ आ जाएंगे ना, बराबर है। दूसरा एक बार बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा? चलो बताओ, जीरो से इंफिनिटी। यस सर, जीरो टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स का डोमेन रियल और ऑल रियल आ गया ना? अरे राइट हैंड साइड देखोगे ना बेटा, इंटीग्रेशन। यस यस, बराबर है ना? सब बच्चों को समझ में आया जो मैंने बोला? Yes, सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो प्लीज। अभी तक अगर कुछ लूज किया है ना तो यहाँ से गेन करना शुरू करो, पिछले वाला बैकलॉग मान के चलो। अब बच्चों वापस आ जाओ लाइन पे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का डोमेन आर तुमने एक्स क्यूब बाई थ्री देख के बोला, एक्स क्यूब बाई थ्री का डोमेन आर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? बच्चों इंटीग्रेशन की डेफिनेशन फिर वापस यहीं पे आते हैं, एंटी डेरिवेटिव। यानी राइट हैंड साइड में तुम्हें एक फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आता हो, बराबर से? यस और नो? यस यस सर। यस। अब बच्चों मैं इधर से इसको हटा रहा हूं, इसका आंसर मैं चेंज कर रहा हूं अभी, है ना, जो कि करेक्ट होगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि यार ऐसा भी हो तो सकता ही है। बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बॉक्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट एल एन एक्स प्लस सी। बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा ना? एक्स स्क्वायर होगा ना सर? यस सर। यस सर। बच्चों बताओ राइट हैंड साइड का डोमेन क्या है? राइट हैंड साइड का डोमेन क्या है? रियल, एक्स ग्रेटर देन 0। कुछ भी बोल रहा है, रियल 0, एक्स ग्रेटर देन 0 होएगा ना? यस सर। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डोमेन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर आता है, तो ये भी तो एक फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर आता है। इसका डोमेन तो आर नहीं है ना बच्चों? नहीं नहीं सर। कैन यू डिफाइन द डोमेन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स? नो यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको यहां से हटाओ और ऐसे लिख दो, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये कैंसिल। अभी तो डेरिवेटिव ये आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड का डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों? नॉट इक्वल टू प्लस आर इक्वल टू प्लस, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। कितने इनफाइनाइट फंक्शंस क्रिएट हो सकते हैं? अच्छा बच्चों तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बताओ ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने से एक कांस्टेंट आ जाता है, बराबर? साइन कॉस टैन मिला मिलू के एक क्वेश्चन, तो बच्चों उसका डोमेन तो चेंज हो जाएगा ना। ये सी जो है, इस सी को मैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत सारे लिख दूं, इसको सॉल्व करने से सी आता है, तो डोमेन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ सी की जगह मैं sec square x minus tan square x plus c लिख दूं तो sec square x minus tan square x plus c, बताओ बच्चों अभी तक कॉन्स्टेंट ये बन प्लस, तो तुम्हें पता लग गया ना x cube by 3 plus ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसके डोमेन में ऑड पाई बाई टू नहीं होगा ना बच्चों? यस यस सर। यस सर। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कंक्लूड क्या करोगे बच्चों? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डोमेन कोई पूछेगा तो बोल दो पता नहीं है यार, पता नहीं राइट साइड में कैसा फंक्शन डिफरेंशिएट करने से आया। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो डोमेन के बाहर हो, उसको कॉन्स्टेंट बना दिया हो उसने, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद तो x क्यूब बाई 3 आता है, बराबर है? Have you all understood my point बच्चों? Yes sir. Yes sir. तो ये चीज एक्चुअली रफ वर्क है, इसको मुझे हाईलाइट नहीं करना था, ये हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईलाइट करते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं फिलहाल। अब बच्चों इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव में फर्स्ट फॉर्मूला, हर फॉर्मूले पर बेस्ड तीन चार क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोगों को आंसर देना है। फॉर्मूला नंबर 1, थोड़ा फास्ट रहना प्लीज। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx क्या होता है बच्चों? अपॉन n प्लस n प्लस c। इसमें n पे कंडीशन है, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ऑब्वियसली n माइनस वन होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये इंटीग्रेशन ax प्लस b रेस टू पावर एन किया है तुम लोगों ने फिजिक्स में बहुत, क्या आंसर आता है इसका?
ax plus b raised to power n plus 1 upon n plus 1 n plus 1 into a into a किया है ना तुम लोगों ने? Yes, हाँ. बच्चों x को अगर मैं ax plus b से रिप्लेस करूं आंसर में क्या डिफरेंस आ जाता है पता है ना? वो जो आंसर है वो a से डिवाइड हो जाता है, मतलब x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है. ये लीनियर है, x को रिप्लेस करना है तो लीनियर से ही करना है. बच्चों x को ax square plus bx से रिप्लेस करोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वो मत कर देना कभी. ये सेकेंड लेक्चर में समझ में आएगा कि हम लोग ax plus b से रिप्लेस करते हैं तब ऐसा क्यों होता है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा बहुत किया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया है तो सेकेंड लेक्चर में पकड़ में आ जाएगा. लेकिन अभी सीखना क्या है कि जो भी फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं उस फॉर्मूले में एक्स को, इस एक्स को लीनियर से अगर रिप्लेस करें तो आंसर सेम आता है, डिविजन बाई ए आ जाता है. बच्चों ये ध्यान रखना है, राइट. अब मेरे को वन बाई वन चार क्वेश्चन में लिख रहा हूं और मुझे देखना है कि चार क्वेश्चन का मतलब बच्चों दो मिनट, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे इस फॉर्मूले पे कम से कम. क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एल एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन वन बाई टू रूट एक्स, इंटीग्रेशन रूट टू एक्स माइनस थ्री प्लस रूट 3x माइनस 2 dx, थर्ड फोर्थ इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर ln x dx. एक और लिखता हूं बच्चों, फिफ्थ इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ln माइनस ln x स्क्वायर dx. बच्चों दो मिनट पांच क्वेश्चन, सबको ये प्रूव कर दे रहा है आज के मेरे को सबसे फास्ट हो रहा है. जिसका भी हाथ ऊपर जाएगा, जिसको भी पांच क्वेश्चन एकदम आंसर आ गया हाथ ऊपर कर दो और अपना दूसरा काम शुरू कर दो. दो मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा पांच क्वेश्चन के लिए. ओ 14 स्टूडेंट्स, 25 होते ही फिर मैं इधर शुरू करूंगा वन बाय वन, आप लोग को वेरीफाई करना है. अच्छा तुम लोग करते भी जाओ और सुनते भी जाओ, साथ साथ में रहो, ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e raised to power ln x square is nothing but x square dx, बराबर है? Yes, sir. और इसका इंटीग्रल तो पता है x cube by 3 plus c, अभी भी किया है. अच्छा ये तो डायरेक्ट ही पता है ना तुम लोग को, सेकंड वाला तो 1 by 2 root x किसका डिफरेंशिएशन होता है, बहुत बार किया है. root x. अच्छा एक बात ध्यान रखो, कभी कभी मैं dx भूल जाऊंगा ना तो ये गड़बड़ मत कर देना, मतलब dx तो लिखना ही लिखना है, तो उसका ध्यान रखना है हम लोग को. तो ये क्या, ये इसका इंटीग्रेशन कितना है बच्चों, रूट एक्स प्लस सी, बराबर है? अच्छा ये क्वेश्चन में टाइम पास ही है, ये कितना बन रहा है बच्चों बताओ, 2x माइनस 3 रेस टू पावर 3 by 2 by 3 by 2 और भी कुछ आएगा ना बच्चों, मल्टीप्लाई 2 by 2 प्लस आगे बोलो प्लस 3x माइनस 2 रेस टू पावर 3 by 2 3x माइनस 2 रेस टू पावर 3 by 2 अपॉन 9 अपॉन 3 by 2 इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 प्लस c.
बच्चों इसका सॉल्यूशन जो भी आंसर की में आ रहा होगा वो देख लेना, मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, दैट इज द डिफरेंट इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन। अच्छा एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला तुम्हारा किया हुआ है ना, ये फॉर्मूला इसको यहां पे लाइन डालते हैं, a रेज टू पावर लॉग b टू द बेस c कैन बी रिटन एज b रेज टू पावर लॉग a टू द बेस c। यस सर, यस सर। ये वाला बच्चों, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, पता है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना बच्चों। ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ, 4 में क्या होगा बच्चों, ये x और 2 चेंज हो जाएंगे ना, बताओ। यस सर, यस सर। तो क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर ln 2 dx। बच्चों ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, तुम लोग ध्यान से सुन लो, एक क्वेश्चन पूरी बुकलेट में ऐसा आएगा जो डाउट्स में आता है, जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि वो गंदी तरह से लिखा हुआ है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, और तुम्हें डाउट्स में तब भी आएगा, क्योंकि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यार सर ने बोला था कि ये बेस और ये वैल्यू चेंज हो जाते हैं, आप समझो। अब इतना बोलने के बाद तो गलत नहीं करना चाहिए ना, लेकिन तब भी ये डाउट्स में आता है हर बार। ठीक है, मतलब मैं ये टू और एक्स की जगह कुछ और लिख देता हूँ, मतलब लेक्चर आप देखोगे तो कुछ उल्टा पुल्टा था, हर साल के लेक्चर में कुछ कुछ वैल्यूज ही चेंज होती हैं, अदरवाइज क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहता है। अब बच्चों अब सॉल्व हो गया, क्या है क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया बताओ इसका, पावर माइनस वन चला जाएगा ना इधर, तो ये कितना बन जाएगा, ई रेज टू पावर एल एन एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस वन, एक्स टू दी पावर माइनस टू लिख दूं क्या, माइनस टू। तो ये इंटीग्रेशन कितना किसका बन गया, 1 / x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन गया ना। हां सर, यस सर। ऐसे 1 / x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ln x स्क्वायर मत लिख देना। हां यस, ln x स्क्वायर मत लिख देना, ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, चलो क्या होता है, 1 / x स्क्वायर * 2x, ऐसा होता है ना, 2x 2 / x आंसर आएगा, वो गलत है, वो है ना लीनियर होना चाहिए, 1 / x स्क्वायर मतलब x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा ना बच्चों ये। हां सर, अच्छा चलो वैसे रटा हुआ होगा ये, 1 / x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, माइनस 1 / x, माइनस 1 / x, माइनस 1 / x का। बच्चों फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 खत्म और फार्मूला नंबर 1 का बोर्ड खत्म। अब ध्यान दो सब लोग मैं जो बोल रहा हूं, फार्मूला नंबर 1 फार्मूला नंबर 2 में डेफिनेटली काम आएगा, इसलिए ये जो बोर्ड पे हुआ है ना इन सबको ध्यान दे दो, e की पावर में चेंज करना, इन बेस को चेंज करना, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना, ये सब चीजें हमें आगे वाले फॉर्मुलेज में कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती चली जाएंगी बच्चों, टाइम टू टाइम। फॉर्मूला 1 नंबर 1 ओवर बोर्ड नंबर 1 ओवर, स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, नाम बता दो एक बार ताकि हर बार मैं पुकार सकूं उसको। अपनाश। अच्छा अपनाश रेडी, यस सर ले लो, ऑल थैंक यू सर। जो कैन आई रिमूव दिस बच्चों, यस सर, मुझे जो ना हम ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, हम टफ की तरफ जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हम लॉजिकली फास्ट जाना चाहते हैं। मैं तुम बच्चे लोग को डे वन से एक चीज समझा रहा हूँ, और अभी आज जो है हम लोग थोड़े लाइन पे आ गए, ऐसा लगता भी है कि बैच थोड़ा फास्ट हो गया है, राइट। तुम समझो एक चीज कि जो 6 फॉर्मूला जो है इसमें फॉर्मूला नंबर 2 में तुम फंसोगे बीच में कहीं कहीं, डजंट इम्प्लाई कि हम लोग को आता नहीं है, थोड़ा मैनिपुलेशन स्किल्स थोड़ा वीक हो सकता है, राइट। तो फॉर्मूला नंबर 2 में क्वेश्चन एक आध दो गंदे भी आएंगे, सीखने के लिए है, लेकिन वो
ठीक है, फॉर्मुला नंबर टू बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, किया हुआ है तुम लोगों ने इंटीग्रेशन, फॉर्मुला नंबर टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, बच्चों क्या होता है ln x plus c, बच्चों यहाँ x greater than 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता है ना, सीधा सीधा सा बात है, क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि डोमेन का आता पता ही नहीं है राइट हैंड साइड का, ठीक है ना, ln x सर भाई c पे डिपेंड करेगा ना पूरा, हां ln x plus c हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब इस पे डिपेंडेंट तुम बोलोगे, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस का क्या मतलब सर, तो पहला क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 पे मैं ही सॉल्व करके दूंगा, ये तो 1/2x + 3 बच्चों इसका इंटीग्रल क्या होएगा बताओ, ln 2x + 3 upon 2x + c, ln 2x + 3 बाय कितना upon 2 + c, बच्चों 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होएगा बताओ, ln x स्क्वायर प्लस 1 + c होएगा ना, यस सर, यस इसका तो टेन इनवर्स एक्स होता है, हम लोग को पता है इसलिए, मतलब लोन नहीं हुआ ये गारंटी है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो फटाफट पूछ लूंगा मैं, बोलो बोलो, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड्यूलस 2x + 3 नहीं आएगा सर, क्योंकि मतलब हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए x ग्रेटर, लॉग तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हम ऑब्वियस मान के चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, हम ऑब्वियस मान के चल रहे हैं, तुझे चाहिए तो लगा ले, तू टेंशन बिल्कुल मत रख, तुझे चाहिए तो मॉड लगा ले तू, ठीक है, क्योंकि सर जब भी मैं इंटीग्रल करता तो मैं हमेशा लगा लिया कर, नो इश्यूज, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है, इधर ही लिख लेंगे यार क्वेश्चन, उधर सॉल्यूशन वाला बोर्ड रखते हैं, इंटीग्रेशन x अंडर रूट x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस 5 एक्स, फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10, एंड लास्ट क्वेश्चन इन द सीक्वेंस, मतलब इस फॉर्मूले नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन, x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जितनी देर का लेक्चर है उस पूरे टाइम में बच्चों तुम लोगों को एकदम अलग टोन पे पढ़ना है, मजा आ जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस यू विल नेवर फील कि हम बैकलॉग कभी बना भी पाएंगे, लेकिन करना खुद पड़ेगा, खुद से करोगे तब मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया है बच्चों, कोई मुझे हिंट दे सकता है क्या इस क्वेश्चन का, सर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, सर वो प्लस 2 रूट के अंदर है, x रेस्ट टू पावर 4 बेटा, ये बाहर है, बाहर नहीं है, मतलब अंडर रूट के अंदर ही होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, सर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, इजी है इसलिए डिस्कस कर दिया मैंने तुरंत एक्चुअली, ठीक है ना, इधर सॉल्यूशंस लिखेंगे बच्चों, 2-3 मिनट के बाद 1/1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो 2 मिनट में आप लोग को दे रहा हूं, 2-3 मिनट राइट, उसके बाद 1/1 डिस्कस करेंगे, जिसको सेकंड नहीं आया होगा वो एक बार बोर्ड देख लेना, ऐसे समथिंग लाइक दैट, बाकी हर क्वेश्चन के बाद 30-30 सेकंड्स का टाइम देंगे आप लोगों को, शुरू हो जाओ एक बार। सर मॉड नहीं लगा क्वेश्चन में, दोनों फील्ड आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है ना यार, मॉड लगा लो तुम, अभी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मॉड का, एक्चुअली मॉड हम लगाते हैं लेकिन
उसमें जब कंडीशन दे देता ना तब मॉड सी का वैल्यू पता नहीं है ना, इसलिए मॉड हम लोग नहीं लगा रहे अभी, बट उस पे ज्यादा मतलब दैट इज दैट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ डिस्कशन आई गेस. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू बताओ, बंदा ने परफेक्ट स्क्वायर ये? हाँ सर. यस यस सर. अब बच्चों यहां क्या सीखना है ध्यान दो, हालांकि क्वेश्चन इजी है सब लोगों का हो भी गया, यहां क्या सीखना है, किसी भी इंटीग्रल में स्प्लिट करना भी एक गेम होता है, मतलब वो उसका मैनिपुलेशन पार्ट होता है, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे. ये स्प्लिट किया मैंने इसको, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई दिस 1 by x plus 1 by x raised to power 5 dx. बच्चों इंटीग्रेशन पता लग चुका है हम लोगों को, 1 by x का इंटीग्रल तो ln x हो गया, plus x to the 1 upon x to the power 5 का मतलब x to the power minus 5 हो गया ना बच्चों, इसका मतलब. Yes, yes, sir. इसका आंसर कोई बोलेगा मुझे, x to the power minus 4 upon 4 minus 4. बस ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है आ गया ना आंसर, छोड़ दो इधर. फर्स्ट सेकंड हुआ है, थर्ड पे जाओ. अच्छा पूरे टाइम ठीक से पढ़ना है प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है. सात फॉर्मूले हैं और सातों फॉर्मूले पे क्वेश्चन तभी होमवर्क में जा पाएंगे जब सारे 7 फॉर्मूलाज कर लेंगे. बड़े एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं यार, हो जाएंगे ना. अमेय को सारे हो गए, अमेय बेटा तेरे सारे हो गए क्या, ये भी हो गया? नहीं सर, लास्ट वो देखा नहीं. अच्छा सिक्स वाला ही सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली. छत्रपति को सारे हो गए, एक्सेलेंट यार. अरे अर्णव हमारे बैच में तो ले लो ना इसको एक बार. बच्चा एक बार ध्यान दो, ये जो एक्सप्रेशन है सब लोग ध्यान से सुनना, जिनका हो गया वो भी ध्यान से सुनना. इंटीग्रल कैलकुलस का ये लॉ बना के चलेंगे हम लोग, ठीक है ना. इट्स नथिंग लाइक रिटन इन द बुक्स दैट दिस इज द लॉ, बट हम लोग ये बच्चों ये जो इंटीग्रल आते हैं ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इसमें पता अपना गोल हमेशा क्या रहना चाहिए. इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स. इसका इंटीग्रल करने के लिए बच्चों हमेशा डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए. अच्छा ये लॉ बना लो, अदरवाइज क्या है तुम फंसोगे बार बार, ये करने से हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है. अब मुझे एक चीज बताओ, कोई तुमसे बोले कि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम बनानी, तुम लोग ऐसे नहीं करते थे ऐसे मतलब जैसे 6-7 स्टैंडर्ड में हम लोग करते थे कि ये लिखा x यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दो 1 प्लस 5x से, है ना. डिग्री कभी तो बनानी है तो 1 बाई 5 से डिवाइड करो, 1 बाई 5 से कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, यहाँ तो आएगा x प्लस 1 बाई 5 बराबर ना बच्चों, ये माइनस 1 बाई 5. तो बताओ इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन 3. इसको क्या लिख दूंगा बच्चों बताओ, x अपॉन 1 प्लस 5 x को क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 बाई 5 प्लस माइनस 1 बाई 5 अपॉन 1 प्लस 5 x. बच्चों ये तो किया हुआ है ना, 7th 8th में करते थे, पता नहीं कौन से
क्लास में करते थे, लेकिन करते थे ना हम लोग ऐसे ऐसे 11 को डिवाइड किया 2 से, यहाँ आया, यहाँ रिमाइंडर, सॉरी ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आइडिया है कि नहीं तुम लोग को इसका बच्चों? Yes, sir. तो ये यही किया, यहाँ पे कोई डाउट है? अच्छा, इसको कोई स्टूडेंट स्मार्टली भी सॉल्व करेगा? कोई बोलेगा नहीं सर इतना डिवीजन मेथड, यस लॉन्ग डिवीजन मेथड, यू आर राइट। चैट बॉक्स पे थोड़ा कम लिखो ना, ये बोर्ड इसमें हाइड होता है एक्चुअली। हाँ बच्चों, इसको कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था कि मैं इधर रफ में कर रहा हूँ और फिर इरेज कर दूंगा, एक्स अपॉन 1+5x, तो वो क्या करता है इसको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ डिवाइड, बराबर बच्चों? बराबर है ना? यस यस सर। फायदा क्या हुआ इसका बताओ? +1 -1, बराबर? यस। अब क्या करेंगे बताओ? स्प्लिट। स्प्लिट स्प्लिट किया तो ये कितना आ गया, ये इसके साथ स्प्लिट किया तो कितना आ गया 1/5 बार 1 -1 upon 1+5, यही बचा ना बच्चों? बताओ, वही वही लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ ना, यही पर देखो 1/5 ये रहा, ये रहा माइनस 1/5 ये रहा अपॉन 1+5x, आ गया ना, यही आंसर है। हाँ इसी तरह से मतलब स्मार्टली ऐसे कर सकते हो और घिसके ऐसे कर सकते हो, घिसके yes. लेकिन ये ध्यान रखना है बस, ठीक है? अब बच्चों आंसर आंसर कितना आ गया इसका, तो 1/5x आ गया, बराबर है? यस सर। माइनस 1/5, बताओ इसका आंसर कितना आया? ln 1+5x, इज इट राइट? और कुछ बचा हुआ रह गया? बचा है सर, बचा है। क्या? Divide by 5. अच्छा, मुझे बोर्ड इरेज करना है, एक मिनट का, 30 seconds का टाइम, 30 seconds का टाइम फोर्थ क्वेश्चन के लिए है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इसका, ठीक है? ये बोर्ड फटाफट से एक पिक्चर लेकर डाल दो, क्योंकि ये इरेज करना है। ओके ओके, 4 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन, दैट्स नाइस। आई एम रियली वरीड अबाउट 6th क्वेश्चन, कि 6 किसी को चमकेगा कि नहीं चमकेगा, बस। अदरवाइज मुझे ये तो पक्का है इस बैच के लिए कि ये दोनों क्वेश्चन तो शायद ज्यादातर स्टूडेंट लोग कर ही डालेंगे फटाफट। अगर ये नंबर ऑफ हैंड 6 दिख रहे हैं तो उसका रीजन सिर्फ मुझे लगता है शायद 6 वाला क्वेश्चन है। देखो एक बार टेस्टिंग प्रोसेस में लेते हैं, कितने बच्चों को फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए हैं, रेज योर हैंड, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, 6 छोड़ दो, फर्स्ट 5 क्वेश्चन कितने लोग को हो गए? ये देखो, नहीं लेकिन मैं सोच रहा था शायद 25 के आसपास पहुंचेंगे, इधर 14 स्टूडेंट को हो गए। आई रिपीट, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कितने लोगों को हो गए? छोटा सा ट्रैप इसमें भी है एक्चुअली, बट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो चमक जाता है वो मेरे हिसाब से। 16 स्टूडेंट्स को हो गए, चलो ठीक है, ओके ओके। 15, एक ने किसी ने हाथ नीचे किया है, चलो कोई इशू नहीं बच्चों। जिनको सारे 6 हो गए ना, वो वापस अपने हैंड रेस कर लो प्लीज, क्योंकि वो एंड तक मुझे चाहिएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने बगैर हेल्प के भी बना लिया है। बच्चों ये क्वेश्चन नीचे पता है, किसी को भी मतलब इंटीग्रेशन नहीं भी आता ना तो ये स्टेप जरूर लिखेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ये स्टेप। नहीं मेरे को पूरा बोर्ड चाहिएगा एक्चुअली, इसलिए यहीं पे लिखते हैं फोर्थ वाला। और ये क्यों लिखा हुआ है, ये स्टेप तो जरूर लिखेगा, x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं आएगा तो ये तो कर ही देगा कोई भी, कि चलो यार ये तो लिखते हैं फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, है ना? हाँ सर। अब सबको पता लग गया, प्लस माइनस 1 करके स्प्लिट मार दो। हाँ सर। प्लस माइनस 1 करोगे न्यूमरेटर में तो स्प्लिट करने से अपने फॉर्मूलेज आ जाएंगे ना डायरेक्टली। क्या होगा बच्चों? ये मैं लिखूंगा x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करना है इसीलिए तो प्लस माइनस 1 किया है, तो ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1, ये स्प्लिट किया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। बच्चों ये तो ठीक है, ln x प्लस 1 बन गया, फाइन।
अच्छा ये एल एन एक्सप्रेस वन होल स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं सर वो नहीं सर, वन अपॉन एक्स प्लस वन बनेगा। ये ऐसा बनेगा ना, एक्स प्लस वन रेस टू पावर माइनस टू, ऐसा कुछ बनेगा ना? हाँ सर। यस सर। उसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस एक्स प्लस वन रेस टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, बराबर ना? सिंप्लीफाई करते रहना। हाँ सर। हाँ सर। 30 सेकंड्स का टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज मैक्सिमम 30 सेकंड्स तो ज्यादा होते हैं, देखते हैं तब तक सारे सिक्स क्वेश्चन कितने लोग किया। अभी सिक्स स्टूडेंट्स का हाथ ऊपर चला गया है, टू मोर इंक्रीज्ड। कौन कौन हुआ है? श्रेय को हुआ है एंड शिवांश को हुआ है। ओके वापस बोलो। सो वी फैक्टराइज डिनोमिनेटर और फिर न्यूमरेटर को हम और अरे कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो क्या करोगे? फैक्टर्स ही बनाओगे ना, राइट? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर फाइव में फैक्टर्स बनाए, क्वेश्चन नंबर फाइव में फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बने 2x plus 3 divided by x plus 5 into x minus 2। बोलो बच्चों यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यही बनेंगे ना? हाँ। यस सर। अब जो इन दोनों एडिशन कितना आ रहा है बताओ? 2x plus 3। ये न्यूमरेटर आ रहा है ना? कैन आई राइट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x plus 5 plus x minus 2 डिवाइडेड बाय x plus 5 into x minus 2। बच्चों इस न्यूमरेटर को इस तरह से स्प्लिट करने का फायदा क्या है? क्यों लिखा होगा मैंने और क्या सोचा होगा? सर 1 by x minus 2 और 1 by x plus 5 आ जाएगा तो फिर सीधा ln स्प्लिट कर देंगे तो लॉगरिथमिक का डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक बात है। अच्छा स्प्लिट किया इसको, स्प्लिट किया तो कितना आया बताओ? स्प्लिट किया तो रिजल्ट कितना आया? 1 upon x minus 2 x minus 2 plus 1 by x plus 5 1 by x plus 5। अच्छा इसके बाद मैं नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? बोर्ड तो है ना, ln x minus 2 plus ln x plus 5। क्वेश्चन सॉल्व सर, वो ट्रैप वही था ना सर कि वो नहीं करना है? हाँ वो ट्रैप वही था एक्चुअली, डीटी वाला नहीं करना नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ना, सिक्स क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस का एक कहानी है जिसको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सब लोग ध्यान दो यार, चैट बॉक्स का मत लिखो ना, दो मिनट का टाइम, 30 सेकंड। अच्छा चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, लेकिन एक बार अच्छा आप लोगों ने फोर्थ तक तो पहले कर लिया था ना, तो इस बोर्ड को हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर तक इरेज करेंगे बस। सर सिक्स वाले का आंसर चैट पे डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं रहने देना प्लीज, अभी कर तो लिया ही है ना सर, तो उसमें कुछ उसमें आएगा या नहीं आएगा दो ही चीजें होंगी, अगर हो गया है तो फिर करेक्ट हुआ ना बेटा। अरे 14 स्टूडेंट्स को हो गया है, पता है तुम लोग को? 15 16। अच्छा मुझे कुछ सिखाना है एक्चुअली सिक्स वाले क्वेश्चन में, मतलब आगे वाले सारे क्वेश्चंस के लिए। सर जो सिक्स क्वेश्चन है सर, उसमें क्या सर एक्स को क्या कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिखना है क्या सर? हाँ अभी देखो
बच्चों ये सीख ही लो, मतलब तुमने कर लिया ना तब 20 बच्चों का तो वैसे हो गया है, तो आई लोअर ऑल द हैंड्स, सब सीख लो क्योंकि आगे ये काम आएगा, मतलब जो अभी बता रहा हूं मैं ये तुम्हें आगे, मतलब जो बढ़िया क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों वहां काम आएगा। अच्छा एक चीज तुम्हें बताऊ बच्चों, ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन, अभी अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दू जो 6 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है, बच्चों कितना 6 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है, इस पे सिर्फ इसी पे ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि आज ही मैं वो 6 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन तुम्हें दे दूं और तुम लोगों ऐसा ही तो बड़ा इजी है। वो क्यों इजी है पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते ही वो क्वेश्चन दूंगा ना तो एक आइडिया चमक जाएगा तुम लोग को, लेकिन उसका सेकेंड मेथड कौन निकाल के देगा वो मुझे चाहिए, देखते हैं। ये इसके बिल्कुल सामने लिख रहा हूँ बच्चों, ये होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल अलग ट्रैक पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर मैं, 3x² + 1 / x² - 1 3 dx। बच्चों आराम से सॉल्व करो, हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना। मेथड 1 इज वेरी इजी एंड मेथड 2 इज एकदम बकवास मेथड बच्चों, राइट। तो वो देखो किसी को टाइम मिलता है तो करो, पहले अभी एक बार 6th वाला क्वेश्चन। तो मुझे डाउट है, व्हाट वाज योर डाउट? सर आप जरा रिपीट कर सकते हैं, आपने इंटीग्रल 1 / x + 1 का स्क्वायर कैसे किया? तो फोर्थ क्वेश्चन में इंटीग्रल, फोर्थ क्वेश्चन में। अच्छा ये उसके, हाँ हाँ ये वाला। अरे बाबा ये लीनियर x + 1 लीनियर है कि नहीं है बताओ? हाँ वो लीनियर है। तो लीनियर x^-2 बन गया। हाँ बता, ax + b^-2 का इंटीग्रल क्या होएगा? अच्छा ax + b^-2 - 1 - 2 + 1 और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी करना, भूलना मत ठीक है? हाँ हाँ यस सर। अच्छा सब लोग ध्यान दो, तुम लोगों ने ध्यान से सुनना, हाँ एक क्वेश्चन तुम लोगों से हो गया है लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया, फैक्टर्स बन गए, फिर तुम एकदम चमका, अरे यार जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया उन दोनों को ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर आ जाता है। हाँ। तो तुम लोगों ने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, बराबर यही किया ना? यस। आई रिपीट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बने हैं उसकी फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, यही किया है ना? अब बच्चों ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या है? देखो ये पूरी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से सीख लेना, x / x - 2 × x - 3 बराबर है बच्चों? Yes, अब तुम्हारा पर्पस क्या है कि तुम्हें x को जो है ना बच्चों, x को इन दोनों के फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, बराबर है? Yes, sir. Yes. Yes. तो तुम लिखी दो ना, x = a (x - 2) + b (x - 3। अरे कोई तो a और b ऐसा होगा जो मैं लिखूं तो इसको सॉल्व करने से x बन जाए, बराबर है? हां सर। यस सर। मतलब बच्चों एक चीज मुझे बताओ, तुम ये रफ है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर मैं मान लो ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं x = x - 1 + 1 राइट, तो x ही तो बन रहा है, x = x लिखा, इसकी शक्ल बदल दी बस मैंने राइट हैंड साइड में, बराबर है? हां सर। हां सर। बच्चों एक बार बताओ, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में जो कि एक आइडेंटिटी है एक्चुअली, मैं x = 1 डाल सकता हूं क्या? हां सर। आयटा? हां सर डाल ही सकते हैं ना, आयटा = आयटा आ जाएगा। कोई बोलेगा सर क्या है, कुछ भी डाल दो ना, ओमेगा डाल दो चलेगा, साइन एक्स डाल दो, एक्स की जगह साइन एक्स डाल दो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, बराबर ना? यस सर। इसका मतलब एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर कभी भी लिखा गया है, आई रिपीट, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग वन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सप्रेशन,
राइट। तो बच्चों एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, हर एक वैल्यू के लिए वो करेक्ट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? यस सर। अब ध्यान दो सब लोग इधर। बच्चों इधर ए और बी निकालना है मुझे, इधर ए और बी निकालना है, टू फाइंड ए एंड बी, टू फाइंड ए एंड बी। बेस्ट मेथड तो ये है, बेस्ट तो ये है कि मैं एक काम करूं, एक्स की जगह टू डाल दूंगा, एक्स की जगह टू डालूंगा तो ए गायब हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा बच्चों? माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया? टू। तो बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? माइनस टू। और फिर एक्स की जगह अब बताओ ए निकालने के लिए कितना डाल दूं? थ्री। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? माइनस थ्री। अरे माइनस थ्री कैसे आएगा? कुछ भी हो सकता है, थ्री ए इज इक्वल टू बराबर। बेस्ट तो ये है बच्चों, इस तरह से कर लेना चाहिए, राइट? स्मार्ट बच्चों। लेकिन ऐसा भी तो कर सकता था सेकेंड मेथड में, पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड सेवन, टू इक्वेशन इन ए एंड बी, इन ए एंड बी आई जाएगी ना। अरे बाबा वन लिखोगे दोनों तरफ तो ए और बी में एक इक्वेशन, फिर सेवन लिखोगे तो ए और बी में एक इक्वेशन, बराबर है ना? रैंडम वैल्यू, इसका मतलब हुआ रैंडम वैल्यू, जिसको जो मन कर रहा है वही वैल्यू लिख दो बच्चों। अगर तुम्हें मन कर रहा है एक जगह वन और एक जगह सेवन आयटा लिखना है तो भी लिख दो, कोई भी परेशानी नहीं है। ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ए और बी की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, बराबर है? सबको समझ में आया? रैंडमली कुछ भी वैल्यू लिख दिया। और तीसरा मेथड है बच्चों, तीसरा मेथड है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बच्चों, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर x का कोफिशिएंट कितना है बताओ? a plus b। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बराबर बच्चों। इधर कांस्टेंट टर्म 0 है, इधर कांस्टेंट टर्म 0 है ना? हां। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस ए माइनस थ्री बी। बच्चों ठीक है ना? यस सर। एंड सॉरी बच्चों, ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए और बी का वैल्यू निकल गया ना, ये हम लोगों ने निकाल ही दिया ना ऑलरेडी, ठीक है ना? अब बच्चों ये क्वेश्चन, अब समझो एक चीज कि पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में जब भी तुम्हें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फैक्टर की फॉर्म में लिखना हो, ऐसे लिख के सॉल्व कर दो बच्चों। अब मुझे जो सिखाना था ए और बी निकालने की वैल्यूज, मतलब ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालोगे बच्चों, इसके तीन मेथड है। पहला कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, दूसरा रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स, तीसरा स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसा तुम्हारा मन करे बच्चों ए और बी की वैल्यूज निकालो। पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब तुम्हें इस मेथड को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, राइट? ए और बी की वैल्यूज निकालते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया बताओ? व्हाट विल आई राइट द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर को क्या लिख दूं बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ बताओ 3 * x को क्या लिख दिया सर? ए टाइम्स किधर गया? ए, ए का वैल्यू 3। 3 टाइम्स कितना? x माइनस टू प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस टू टाइम्स x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री। बच्चों आगे सॉल्व करूं कि छोड़ दूं? छोड़ दो। अब तो क्या करोगे, स्प्लिट करके सॉल्व कर दोगे ना? स्प्लिट करके हो जाएगा, स्प्लिट और लॉग में आंसर। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला नंबर टू थोड़ा लेंथ में था, फॉर्मूला नंबर टू में ज्यादा क्वेश्चन थे, राइट? फॉर्मूला नंबर थ्री बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, 4, 5, 6 भी जल्दी सॉल्व, सेवंथ में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? सो बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं, अब ये आगे इनकॉर्पोरेट कहाँ पे होंगे, ये आपको एलिमेंट्री एक्सरसाइज जब मिलेगी आज होमवर्क में, वहां आप लोगों को माता पच्ची करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चन के साथ में, वो हम लोग उसी टाइम देखते हैं। कैन आई रेज दिस बोर्ड नाउ सर? हाँ बोलो बेटा। सर मतलब पहले तो वही देखना है ना कि वो ऐड हो के ऐसे फैक्टर्स बन रहे के नहीं, और फिर ये वाले मेथड यूज कर सकते हैं। समझ नहीं रहा, ये मेथड यूज करेगा तो जल्दी से वैसे ही निकल जाएगा। पांचवे क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज कर, ए और बी तुरंत चमक जाएगा, बन बना रहा है। अच्छा हाँ हाँ वैसे वो भी सही है, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ओके। अच्छा फॉर्मूला नंबर थ्री देखो, फॉर्मूला नंबर टू में थोड़ा टाइम हर बार लगता है,
फॉर्मूला नंबर थ्री लॉ ऑफ इंडाइसिस. लॉ ऑफ इंडाइसिस कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते थे बच्चों? सेवन स्टैंडर्ड. अरे यार ट्वेल्थ मत बोलो यार प्लीज. सेवेंथ एट में. बच्चों बताओ इसका इंटीग्रल फॉर्मूला नंबर थ्री. बताओ इसका इंटीग्रल कितना होता है? ए रेस टू पावर पी एक्स प्लस चलो e रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रल बताओ. और बच्चों e रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल बताओ क्या होता है? अच्छा बच्चों इसका इंटीग्रल क्या होगा? ए रेस टू पावर पी एक्स प्लस क्यू. A raised to power px plus q ln a. A raised to power px plus q upon ln a. और भी कुछ आएगा? Into p भी आएगा ना बच्चों? P. P हाँ. मानते हो ना? Yes. Yes. अरे वो a raised to power x का integral ऐसे लिख लो. A raised to power x का integral इस तरह से याद रखो. A raised to power x upon ln a. अब चाहो तो differentiate करके देखो बच्चों इसको. इसका derivative यही आता है ना? Yes. अच्छा इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू पावर एक्स इंटू थ्री रेस टू पावर एक्स डी एक्स. आमिया एक तो तुम नाम से ज्वाइन करो ना यार मजा आता है क्वेश्चन पूछने में बीच बीच में कभी कभी. अरुण दत्त अनिरुद्ध अनिरुद्ध ए टू टू एट वन कैन यू हेयर मी? देखो एक स्टूडेंट का हो गया है. दक्ष सर बेटा कुछ चमक रहा है? इंग्लिश टू एक्स का लॉन टू लिखेंगे क्या? नहीं याद कर हम लोग का तुम लोगों ने ही बोला सिक्स सेवन स्टैंडर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या लिख दू बताओ? क्वेश्चन खत्म. सिक्स रेस टू पावर एक्स अपॉन एल एन सिक्स प्लस. अच्छा ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो सब लोग. a raise to power mx into b raise to power nx dx. और एक और लिखता हूं सेकेंड एंड थर्ड. बस बच्चों इस पे तीन ही क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन है e raise to power 3x plus e raise to power 5x upon e raise to power x plus e raise to power minus x dx. बच्चों इन दो क्वेश्चन के लिए दो मिनट है. टू मिनट्स फॉर टू क्वेश्चंस इट्स मैक्स करके दो. हमेशा अपने ओपोनेंट्स में नहीं बोलूंगा अपने फ्रेंड्स को बीट करने की कोशिश करो. यार आई हैव टू डू इट फास्टेस्ट. लेक्चर ऐसे फटाक से खत्म हो जाता है वरना तो ऐसे बैठे बैठे देखते रहते हो लेक्चर. वो तो मजा नहीं आता ना फिर तो टाइम पास हो गया. वो तो स्पीड से करो एंड रेज योर हैंड व्हेनेवर यू गेट इट. ये देखो दो स्टूडेंट लोग का हो भी गया कहते ही. जोश तो ऐसे आता है फटाक से. Seven students have done it. That's good. फिर दोनों क्वेश्चन के बाद हाँ दोनों क्वेश्चन के दो मिनट बेटा एक एक मिनट के. कम ऑन लॉ ऑफ इंडाइसेस के ही क्वेश्चन हुए ना ये तो भाई. इन दोनों को उठा के इस फॉर्मूले तक लेके जाना है. 13 स्टूडेंट्स का हो गया है पता है. ये कौन है जीरो डी टू कौन है ऊपर देखो ना जरा. बच्चों थोड़ा फास्ट जाओ प्लीज. 22 I am giving you 10 more seconds. उसके बाद में मैं अच्छा एक मिनट देखो एक
लॉ ऑफ इंडाइसेस का टेस्ट रखते हैं। अच्छा कितने स्टूडेंट्स लोग को ये वाला क्वेश्चन हो गया है, सेकंड वाला, रेज योर हैंड, दोज़ हू हैव डन द सेकंड प्लीज रेज योर हैंड। जिसको ये समझ में आ गया उसको ये फटाक से समझ में आ गया, सिर्फ कितने एकदम 45 हो गया मतलब। अच्छा ये वाला रूल याद है, 2 raised to power 3 raised to power 2 क्या होता है बताओ, 2 raised to power 6 होता है ना? तो मैं इसको इसको ऐसे लिख दूं, हो गया वैसे तो क्या 46 स्टूडेंट को हो गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x को कॉमन a रेस टू पावर m रेस टू पावर x into b रेस टू पावर n रेस टू पावर x। बोलो ये क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो गया ना इसके बाद तो a रेस टू m + b रेस टू n का इंटीग्रेशन। नहीं गधेड़ा क्या कुछ भी बोलता रहता है, जल्दबाजी में क्यों बोल, जल्दबाजी करके अपना नुकसान क्यों कर रहा है भाई, आराम आराम से बात करेंगे। प्लस कैसे आ जाएगा, प्लस कैसे आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई a रेस टू पावर m b रेस टू पावर n raised to power x dx। आंसर आ गया a raised to power m b raised to power n raised to power x upon ln a raised to power m b raised to power n plus c। बच्चों बच्चों एक बात समझ लो, तुम्हारे 15 मिनट ब्रेक के भी मैं खा सकता हूँ अगर तुम लोग स्लो चलोगे तो, क्योंकि मुझे 7 फॉर्मूलास करने हैं, मतलब तो जल्दी होंगे अभी, ऐसा तो नहीं मतलब ज्यादा मुझे लगता नहीं 11:30 क्रॉस करेगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि 11:45 के बाद नहीं होगा, स्लो चलोगे तो होमवर्क क्योंकि नहीं मिल पाएगा ना अदरवाइज। बच्चों ध्यान दो ये वाला पार्ट, बताओ कुछ ऐसा कॉमन लेने जैसा कुछ मत, मस्त सा है। बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, एक मिनट, आई लोअर योर हैंड्स फर्स्ट, दोज हू हैव डन थर्ड क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। 15, 16, 21, 27, 29, 30 कम का ही हुआ यार, 30 का ही हुआ है, 31, 32। अच्छा कुछ कॉमन लेके कट जाएगा और ये यही आ जाएगा क्वेश्चन, क्या कॉमन लेना है वही कहानी है इस क्वेश्चन की। हाँ ठीक है ठीक है, अब है तुम्हारा आंसर ठीक है बेटा। अरे बाबा ई रेस्ट वर माइनस एक्स और इस वर एक्स चाहिए ना, देखो क्या कॉमन आना चाहिए, 35, अब भी 35, अब तो 100 क्रॉस कर देना चाहिए। क्या कॉमन निकालना चाहिए, क्या कॉमन निकालो कि रेस्ट वर एक्स प्लस ई रेस्ट वर माइनस एक्स कट जाएगा, कट जाए कट जाए, ऊपर से कुछ कॉमन ले जाए। फोर्टी सेवन क्या बच्चों क्या कर रहे हो, चलो बताओ जिनने कर लिया है क्या कॉमन लिया न्यूमरेटर में, क्वेश्चन खत्म बच्चों, ये तो गायब, और आंसर कितना आ गया e raised to power 4x by 4 plus, got it? Yes. So formula number 3 over, screenshot, answer done, formula number 5, formula number 5 पे कुछ questions आएंगे, फिर 6-7 एक साथ रहेगा, उसमें तीन ही question है सर, 4 ना, formula number 4 फॉर्मूला नंबर 4 पे क्वेश्चन आएंगे, फिर 5-6 एक साथ आएंगे, उस पे तीन क्वेश्चन ही हैं, 5-6 पे दोनों पे मिला के तीन ही क्वेश्चन है, और 7 पे कुछ 4 क्वेश्चन है, ये ट्रैक है मतलब आज का, तो होमवर्क अपना मिल पाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 बोलो बेटा, नो सर नथिंग, इंटीग्रेशन फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी क्या होता है बच्चों,
cos minus x cos ax plus b upon minus cos x plus b to b upon upon a minus cos b. Don't forget this. Okay, please mic off rakho, kisi ka mic on hai. Cos of ax plus b ka integral kya hoga bachcho? Sin ax plus b upon a. Sin of ax plus b upon a. ठीक है बच्चों, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स. फोर्थ क्वेश्चन बच्चों रुको, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा देख के मैं देखूंगा, तुम लोग स्टार्ट कर दो. हाँ आई लाइक टू मोर, और एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा बच्चों, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसको जल्दी हो जाएगा वो अभी कर सकता है ट्राई. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स, सॉरी कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स. फिफ्थ है कॉस एक्स माइनस cos 2x divided by 1 minus 2 cos 3x, wait 1 minus cos x dx. और बच्चों ये 6 वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, अगर किसी को ये 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाए तो 6 वाला अभी ट्राई कर सकता है. तो आपने सेकंड क्वेश्चन में दो बार dx लिखा था? हाँ बेटा, वो गलती से लिख दिया. कॉस 5x प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस 3x, 1 माइनस 2 कॉस 3x dx. अच्छा ट्राई, बच्चों तो ऐसा तो नहीं है किसी को पहला क्वेश्चन बिल्कुल चमका ही नहीं है. बताओ क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, और फिर स्प्लिट कर दिया होगा. यस सर, 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x by 2 dx, और अब इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर आ गया x by 2 minus sin 2x by 4. Yes. Plus. बच्चों सेकंड और थर्ड इसी तरह से होंगे ना? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. मल्टीपल एंगल में चेंज करके लिखो. बच्चों सेकंड थर्ड छोड़ ही दो, अभी फाइनल आंसर के लिए भी छोड़ दो, इस पे जाओ, फोर्थ पे जाओ, सीधा फोर्थ पे जाओ. छत्रपति तुझे ये वाला हो गया क्या बेटा? सिक्स वाला हो गया क्या? नहीं, बस सिक्स वाले क्वेश्चन पे अभी सबका स्ट्रगल बाकी है. वो तो होमवर्क है ना? होमवर्क है, लेकिन किसी को अगर सारे फाइव हो गए तो अभी ट्राई मार लो ना, क्या दिक्कत है, फालतू भी तो बैठे रहोगे. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फॉर द डे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन विच वी हैव डन टिल डे till the time, for the day. अभी बचे हुए questions में भी यही best question है.
अच्छा सेकंड थर्ड छोड़ देना, सिमिलर ही है, फोर्थ पे जाओ सीधा। Six students have done all. किसी का भी अगर sixth हुआ होगा ना तो अनाउंस कर सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर में क्या किया होगा जिसने किया है बताओ ना। Multiply divide by two. And defactorize बराबर वही किया था। Multiply divide by two. हाँ सर, फिर split कर। So what do you get here? मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। What do you get? One by two बाहर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा? Two cos A cos B is nothing but cos of a plus b, that is cos 5x, plus cos of a minus b, that is cos x, right? ये क्या कर रहा हूँ? cos x dx, बच्चों हो गया ना? अब हो जाएगा ना? लिख देते हैं आंसर भी, 1 by 2 sin 5x upon 5 plus sin x plus क्वेश्चन नंबर फोर। 12 स्टूडेंट्स हैव डन ऑल। ईच जावेरी अपने बैच में है क्या? देख लो एक बार। हाँ सर। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन कितने लोग को, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन कितने लोग को हो गया? रेज योर हैंड दोज हैव डन फिफ्थ वन। ओके, बस एक क्लिक की जरूरत है। यहाँ पे ध्यान से देखो, फैक्टराइज होगा तो मजा आ जाएगा। 27, 28 best, good। देखो अगर तुम यहां पे cos c minus cos d लगा दोगे ना तो फंस जाओगे, मतलब लंबा चला जाएगा ऐसा, फंस जाओगे और लंबा चला जाएगा cos c minus cos d लगाने से। लेकिन बच्चों अगर ये cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म्स में क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म्स में 2 cos square x minus 1, ये लिखते हैं देखो मजा। क्वाड्रेटिक बन के उसका फैक्टर्स कर। हाँ, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा cos x minus 1 plus 2 cos square x divided by 1 minus cos x। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? cos 2x के आगे माइनस है ना तो प्लस। अभी ठीक है। अब बच्चों इसका फैक्टर क्या बन रहा है? इसका फैक्टर क्या बन रहा है? 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस 2 cos x, बराबर ना? यार ये फैक्टर्स में तुम लोग पता है क्या करो, तुम लोग थोड़ा फास्ट हो। तो जैसे कि फैक्टराइजेशन आता है ना तो स्पीड बनाओ अपनी, आराम आराम से नहीं कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कंप्लेन कर रहा हूँ, अपनी आदत पड़ी हुई है कि मैं अपन हर चीज आराम से ही करते हैं। अरे अपन लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब ट्वेल्थ में परसेंटेज बनानी उसके लिए नहीं चल रहा ना कार्यक्रम अभी। कॉम्पिटिशन मीन्स अगर क्वाड्रेटिक आ गया और उसके फैक्टर्स बनाने हैं, इट्स इट शुड बी द मैटर ऑफ हार्डली 5 सेकंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स इन एनी केस। ये फैक्टर्स बन गए बच्चों इसके, मतलब कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा ना बाई द टाइम। 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल। अच्छा सॉल्व करोगे इसके बाद? एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स इज द आंसर प्लस सी। हाँ बाबा,
सी बोलना मत आगे यार प्लीज, मैं बहुत बार नहीं लिखता हूँ। x plus 2 sin x plus c is the answer. बराबर है बच्चों? ये किसी को, अच्छा एक मिनट पहले आई लोअर द हैंड, ये किसी को हुआ है क्या? पूछते हैं होमवर्क वाला क्वेश्चन किसी को हुआ क्या? अरे वाह आरोही को हुआ, आरोही को, अरे और भी हुआ, आरोही को हुआ और रुद्राभिषेक को भी हुआ। गुड, वेरी गुड, मेरे लिए काम हल्का हो गया। रुद्र और आरोही इन दोनों की ड्यूटी है शाम तक, देखो ग्रुप पे अगर कुछ आता नहीं है तो। अच्छा इसका भी आकाश, किसका हुआ ये? आकाश का भी हो गया D08। तीनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शाम तक अगर इसका सोल्यूशन नहीं आता है ना तो एक नीट एंड क्लीन सोल्यूशन आफ्टर 6 o'clock डाल देने का ग्रुप पे, नहीं होगा तो फिर मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? Yes, sir. फॉर्मूला नंबर 4 डन, स्क्रीनशॉट। बच्चों किसी को पूछना है क्या? ये किसी को पूछना है क्या क्वेश्चन नंबर 2 and 3? गुड। फॉर्मूला नंबर 5 and 6 बच्चों एक साथ ही होंगे दोनों फॉर्मूलास। आई वॉज वरीड इन द बिगिनिंग पता नहीं क्या होगा, बट आई एम प्रिटी श्योर कि हम 7 फॉर्मूलास पूरा करके सारे एग्जाम्पल निपटा लेंगे विद इन द टाइम, वेल बिफोर द टाइम आई गेस, आई बिलीव। बट फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रेशन बच्चों सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी क्या होता है बताओ? इसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर होता है tan ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय। और एक और है बच्चों इंटीग्रेशन कॉसेक्स स्क्वायर एक्स कॉसेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी बाय बाय। अच्छा ये फॉर्मूला नंबर 5, एक्चुअली इस पे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है इसलिए एक साथ ही लिख रहा हूँ दोनों को। फॉर्मूला नंबर 5 and 6 अच्छा ये भी तुम्हारा किया हुआ है sec x into tan x, किसका इंटीग्रल है? sec x plus, और एक और है चलो गेस करो क्या है? cosec x into cot x, cosec x into cot x dx minus cosec x plus c। क्वेश्चंस बच्चों इस पे 3 से 4 क्वेश्चन, नॉट मोर देन 4 इन एनी केस। Wait, just give me 10 seconds, please. Integration 1/1 cos x. Question number 2. Integration cos 2x plus 2 sin square x। क्या एक बात समझो, हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना अभी जो आज कर रहे हैं या जो होमवर्क मिलेगा उसमें अपना टारगेट क्या रहता है पता है? कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना उसको फॉर्मूले तक कैसे पहुंचाए, तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा हो गया। तो तुमसे होमवर्क शीट में जो मिलेगा ना उसमें माथापच्ची बहुत होगी, मुझे पता है बहुत माथापच्ची होने वाली है उसमें, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम इरिटेटिंग होके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बनेंगे बहुत सारे और डाउट्स भी रहेंगे, कुछ डाउट्स भी रहेंगे उसमें, उसको डाउट नहीं, डाउट आते हैं। डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 - 3 sin³x। अच्छा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन,
So time is all up to you. How fast you guys go? Just one last formula. दोनों formula के मिला के. इसपे ज़्यादा question, इसपे ज़्यादा question है नहीं actually. सारे वही मतलब same same से ही बनते हैं. Split कर दो और वो सब उससे ये formula direct ही आ जाते हैं. इसपे ज़्यादा question है. मतलब वर्कशीट में ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन सब बन जाएंगे इस पर डिपेंड. छह बजे के बाद आफ्टर 6 o'clock सॉल्यूशन आफ्टर 6 o'clock. बच्चों पहला क्वेश्चन कितने लोग को हुआ है रेज योर हैंड दोज़ हू हैव डन द फर्स्ट वन. से जाते हैं हाथ ऊपर जैसे बिल्कुल रटा पड़ा है क्वेश्चन. 30, 32, 37, 38, 40. क्रॉस नहीं किया अभी उसमें क्या क्रॉस करने में क्या है किसी को रैंडम पूछ लेंगे तब पता लगेगा. 50 हो गया अभी. क्वेश्चन नंबर 1 ओनली. अच्छा क्या किया जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया उसमें से कोई भी बताओ. चलो क्या किया सर. 1 cos x / 2 cos2 x / 2. अभी बस अब क्या करना है सर. अभी 1/2 x² x / 2 हो गया फिर ऊपर वाले फॉर्मूला लगा. दैट्स इट. अच्छा मुझे बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों. 10² x को कैसे इंटीग्रेट करोगे. ऐसे लिख दोगे ना 1 x² x - 1. यस बराबर ना. ये क्वेश्चन मैंने लिया नहीं एक्चुअली मैंने वैसे ही लिख दिया. 10² x का तो इंटीग्रल पता नहीं है ना तो उसको sec square में चेंज करके अब इंटीग्रेट हो जाएगा ना बच्चों वो वाला क्वेश्चन. हां सर. सो रो ऑल डन. यश के सारे हो गए. यश बेटा थर्ड एंड फोर्थ सेम है ना सर. नहीं नहीं मेरे मन. यस सर वेरी सिमिलर. हां और अच्छा मुझे लगा आपने मुझे तू यश राज है भाई. यश है. कैसे cos 2x को क्या लिखा. 2 cos² x - 1. अरे कुछ भी यार 1 - 2 sin² x लिख देना. अच्छा जो तू लिख रहा वो भी ठीक है. इसको लिखते हैं 1 - 2 sin² x. ये कट. बच्चों ये इंटीग्रल क्या बन गया. ऊपर सेम ही क्वेश्चन बन गया. बच्चों ये बढ़िया है क्वेश्चन. मतलब टफ नहीं है लेकिन रिलेटिवली बेटर क्वेश्चन है. आई गिव यू 1 minute फॉर थर्ड क्वेश्चन. I'm not in a hurry just because of one reason that I know that only last formula is left. Third wala jin logon ka banta chala jaye haath upar karte chale jana. Acha I'll join you in a
जो ना आप इस चैप्टर से ऐसा कर लो कि यार इस चैप्टर के बाद बैकलॉग कभी नहीं रखेंगे, जो चल रहा है ना उसको तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके चलेंगे। थोड़ा गंदा तो गंदा जाता है इसमें क्वेश्चन, कभी कभी बहुत गंदे चले जाते हैं, बट एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो इश्यू क्या है ये बच्चों, ये 25 स्टूडेंट्स का हो गया है और सब बच्चों ने एक रैंडम ट्रिक लिया है इसमें, पता है रैंडम मतलब एक्सप्रेशन लिखा है, और लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos² x लिख दिया है, या फिर टेन स्क्वायर एक्स को sec² x - 1 लिख दिया है, दोनों में से कुछ एक किसी ने कर दिया, फिर देखा देखते हैं क्या होता है, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों ये क्या बन गया देखो, इसको मैंने लिखा sec² x - 1 और इसको sin² x। अब बताओ बच्चों क्या बन गया ये, दिस इज इक्वल टू tan² x - sin² x - sin² x। बच्चों दोनों क्वेश्चन आज ही किए हैं हम लोगों ने, ये तो आज किए ही है ना, और टेन स्क्वायर एक्स हो रहा ऊपर हो जाएगा ना सर। तुम मतलब इतना समझ के चलो कि जो क्लास में चल रहा है ना वो अगर दिमाग में घुस रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम करने में बहुत मजा आने वाला है, और जो क्लास में चल रहा है उसमें रैंडम ऐसे कुछ भी कोई करता चला जा रहा है कि चलो ठीक है रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर समझेंगे, उसका बैंड बजना फिक्स है, फिक्स एकदम फिक्स है। अब बैकलॉग नहीं देखा जा सकता, कोई देखेगा कोई भी टीचर बोल देगा इस टाइम के बाद बैकलॉग होना मतलब अपना कबाड़ा कर रहे हो तुम लोग, अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो बैकलॉग कैसे हो सकता है। बच्चों इसमें जो ना इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते ही मजा आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अंदर मजा आएगा। देखो ऊपर तो नहीं ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो ना, 2 मिनट दे रहा हूँ ना, इनफैक्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, मैंने हैंड्स लोअर किए हैं, जिसको फोर्थ हो गया होगा ना अब वापस हाथ खड़ा करना पड़ेगा उसको। Okay guys, 14 students have done it. 14, it's a good number, but it's a little less in, as compared to the strength. 21. बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते ही तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्या है करो ना, अगर तुम लिथार्जी वगैरह तो मजा नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ जब तक लेक्चर चल रहा है ना, लेक्चर चलते उसमें एक सेकंड नहीं एक मोमेंट भी इधर से उधर नहीं होना है, एकदम पूरा बोर्ड पे, और हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है पूरे बैच में सबसे पहले मैं कैसे कर सकता हूँ, भले पूरे लेक्चर में तुम्हारा नंबर बहुत देर बाद आता हो, हमेशा ही तुम्हारा नंबर कुछ 10-15 बच्चे कर ले उसके बाद आता हो, लेकिन ट्राई हमेशा यही करनी कि सबसे पहले करना। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बताओ पहली टर्म क्या बन गई, टेन एक्स डॉट सेक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो गया 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू 10x हो गया ना माइनस। अच्छा ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 sin^4x / cos^2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां जाके हम फंस गए क्योंकि ये तो पता है, तो बच्चों इसको जरा स्मार्टली लिखो, तो बताओ क्या लिख जाओगे इसको, दोनों क्वेश्चन हम लोग के किए हुए बराबर है। ये जो फॉर्मुला नंबर 1, 2, 6 हम लोगों ने किए हैं, ये सारे फॉर्मुला एंटी डेरिवेटिव है और आप लोग को याद है, मतलब अभी तक आपने एंटी डेरिवेटिव से ही किए हैं, लेकिन इसके बाद के जो फॉर्मूला नंबर 7 में जो लिखने जा रहा हूं ना बच्चों, वो सारे मतलब फॉर्मूला नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, आई रिपीट 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स का प्रूफ है जो नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में तुम लोग को दिया जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब आपको सब समझा दिया जाएगा कि कैसे रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आप लोग को याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट जरा ले लो तो लास्ट फॉर्मूला लिखें एक बार, फॉर्मूला नंबर 7 लास्ट फॉर्मूला फॉर द डे।
अच्छा फॉर्मूला नंबर सेवन में तीन फॉर्मूला है. फर्स्ट इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सब लोग ध्यान से फॉर्मूला याद करना, गड़बड़ मत कर देना. साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसको मैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिख सकता हूं. पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. तो पाई बाई टू और सी को मिला दूंगा तो एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा. Yes. तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आंसर भी हो सकता है ऑप्शन में देखोगे तो, है ना, थोड़ा ध्यान रखना. बी इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. सी वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए sec इनवर्स एक्स बाई ए. बच्चों ध्यान रखना वन अपॉन ए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, sin इनवर्स में नहीं है. ठीक है. और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, x को अगर मैं ax प्लस बी से रिप्लेस कर दू इन तीनों फॉर्मूलाज में तो आंसर में क्या डिफरेंस आ जाएगा पता है ना, होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बस उतना ही डिफरेंस आएगा. ठीक है, बाकी डिफरेंस नहीं आएगा. बच्चों आउट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में इन फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा देखने को मिलते हैं. मैं नहीं कह रहा कि आईआईटी में ज्यादा आते हैं, इन फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट. इनका लेकिन प्रैक्टिस उतना ज्यादा हम लोग नहीं करवा रहे हैं. प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपकी इन चैप्टर एक्सरसाइज वन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिस शीट नहीं है, इन चैप्टर एक्सरसाइज वन ही आप मान लो, इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ. ठीक है, वो जो इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जरा लिख लो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. सेकेंड क्वेश्चन, एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. थर्ड क्वेश्चन, dx upon x square plus 4x plus 4 into x square plus 4x plus 5. And the last question for the day in integral is dx upon, this is the best question out of the four, dx upon 2x minus 7 under root x minus 3 into x minus 4. बच्चों शुरू करो. After every minute I will solve one question.
फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोग को हो गया है, जस्ट रेज योर हैंड। ट्वेंटी फोर, कम का हुआ यार, कम ऑन बच्चो। 28, क्वेश्चन नंबर वन ओनली, ओनली क्वेश्चन नंबर वन। टू तो बहुत ही इजी है, थर्ड मस्त है, फोर्थ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है बच्चो, ये बताओ, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखो, देखो मजा आएगा। मैंने बोला था तुम लोग को मैनिपुलेशन वाला गेम है सभी इंटीग्रल में। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो स्प्लिट करने वाला जो गेम था जो हम लोगों ने सीखा है वो याद करो, यहाँ पे मजा आएगा। देखो यहाँ पे ये इसको सब मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ सर। ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। आंसर भी लिखते हैं बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस कॉट एक्स हो गया ना। और इसका इसका क्या लिखूं बच्चों, आंसर बताओ, चलो बताओ। माइनस टेन इनवर्स एक्स, इजी क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान देना सर, होगा प्लस वन माइनस वन नहीं, माइनस वन प्लस वन। क्वेश्चन नंबर टू माइनस वन प्लस वन। माइनस वन प्लस वन न्यूमरेटर में सर, परफेक्ट समझ गया। एंड स्प्लिट, हाँ बोलो कुछ बोल रहे हो बेटा। सर वो एकदम फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का दूसरा भी लिखा था ना? नहीं यही लिखा था ना यार सर, लॉन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। लॉन तो तू याद कर, लॉन तो लीनियर में लिखा था और यही फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया भी था कि लॉन में मत लिख देना। अच्छा अच्छा हाँ, लीनियर के लिए ना, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर को टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स कमल, वो तो प्रूव हो गया उसका रिजल्ट तो ये आएगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों को हो चुका है? अरे हाथ करने में तो कम से कम सुस्ती मत दिखाओ यार, इसमें क्या रह गया है बताओ। माइनस वन प्लस वन करने के बाद रह क्या जाता है क्वेश्चन में? पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन ही बना के दे दिया मैंने तुम लोग को, अब आंसर थोड़ी लिख के दू। क्वेश्चन नंबर टू यही तो हो गया, इंटीग्रेशन एक्स फोर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। क्या बन गया, इसके फैक्टर्स बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा आया कि नहीं आया समझ में, यहाँ ऊपर से जा रहा है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ये डी एक्स। किसी बच्चे को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर टू में? ओ मैंने मीटिंग लॉक किया, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री, ध्यान से दोनों फैक्टर्स को देखो, ध्यान से इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस वन आ रहा है एक्चुअली, ऊपर है ना, ऊपर प्रेजेंट, इन दोनों का डिफरेंस वन आ रहा है। बच्चों क्या करोगे बताओ, ऊपर वन को दोनों का डिफरेंस करके हो जाएगा, फिर ऊपर डिफरेंस को पूरा डाल देंगे, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो। हां सर, मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा कर दो, ऐसा न्यूमरेटर को लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई ये दो फैक्टर्स डी एक्स, स्प्लिट। अच्छा स्प्लिट करने के बाद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक बार इधर स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस में मेरे को ये आगे करना है थोड़ा सा। ले लिया सर, ले लिया ना, तो जरा ध्यान दो बच्चों, ये फॉर्मूले तुम्हारे पास आ ही चुके होंगे ना।
अच्छा जब मैंने इसको स्प्लिट किया ना तो मुझे ये रिजल्ट आया। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो ये रिजल्ट आया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। अब बताओ कैसे करेंगे, ये तो कभी किया ही नहीं हम लोगों ने। वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट कहाँ किया है बताओ पहले। So the first term should be 4x plus 4. हाँ सर उल्टा हो गया। 4x पहला वाला 1 upon x square plus 4x plus 4 होना चाहिए। Second वाला 5. Sorry। हाँ। अच्छा अब ये वाला तो देखो easy लग रहा है। Perfect square बन रहा है ना? Yes। क्यों easy क्यों बोला? कैसे होगा अब ये? X plus 2 raised to और minus। Clear होगी। किया है पहले आज ही किया है। मैंने बोला था तुम लोग को कि पहला formula ना सर। है ना? और जो सेकंड सेकंड वाला क्या बनेगा बताओ? माइनस इंटीग्रल ऐसे लिख सकते हैं क्या उसको? x plus 2 होल स्क्वायर प्लस 1 dx। बोलो बच्चों। यस सर। इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो। चलो बराबर ना? यस सर। यस सर। और इसका आंसर बोलो। क्वेश्चन की कहानी खत्म। बस कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर। सर ये थर्ड वाले का यही आंसर है, खत्म। हाँ बस ये आंसर मिल जाएगा ना आंसर। अच्छा हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर कर दो बच्चों। फोर। अच्छा ये वो लोग हैं क्या जिनने फोर्थ कर दिया है? नहीं यार ऐसा तो नहीं है मेरे हिसाब से। आई लोअर द हैंड्स, सॉरी बच्चों। अब बताओ फोर्थ किस किस से हो गया है? फोर्थ तो अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आएगा इतने लोग का हो गया। कुछ बच्चे तो क्या अब तक रिकॉर्डिंग्स में फंसे हुए थे, आपको बताऊं मैं नाम नहीं लूंगा, इस चक्कर में उनका कुछ पता ही नहीं था कि टैलेंट किधर में है। अभी आज कुछ बच्चे मुझे पता है ना, कुछ बच्चे इधर नाम से जो एंटर करते हैं तो पता लगता है ना कि लेक्चर अटेंड करना शुरू ही ऐसे किया है, अब तक रिकॉर्डिंग ही देख रहे थे। क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो अपनी? यहाँ जो कॉम्पिटिशन मिलता है वो कॉम्पिटिशन रिकॉर्डिंग में तो मिल ही नहीं सकता ना। अच्छा ये जो ना ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है ना हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला होता है ये? सेकंड वर्स ऑफ एक्स पाई होता है ना। yes. ये देखो आंसर लिखा है शिवांश ने, आंसर लिखा है सेकंड वर्स टू एक्स माइनस सेवन, राइट है तेरा? 11 स्टूडेंट्स ने कर लिया, मेरे लिए ये परफेक्ट मामला है। मतलब मेरे लिए ये ऐसा परफेक्ट मामला है कि 11 स्टूडेंट्स को एक थॉट प्रोसेस का पता लग चुका है कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। बच्चों अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है, बताओ यहाँ से लगता है कि नहीं लगता तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर वैसे हो जाएगा। बच्चों बोर्ड का विजिबिलिटी आप मुझे बताओ पहले जैसा था वैसा है कि नहीं है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं सर अच्छा है, पहले से अच्छा है सर। अच्छा नहीं चलो वो तो बढ़िया है, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चों अब बताओ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया फोर्थ वाला? डीएक्स अपॉन, अच्छा मैं पता है मेरी एक आदत है, पता है मुझे कहीं किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के सारे प्रॉब्लम्स की बता रहा हूँ, मुझे कहीं एक्स के कोफिशियंट में कुछ दिखता है ना तो मैं पता है उसको बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, क्योंकि मेरे लिए वो क्या क्वेश्चन ईजी हो जाता है उससे। मतलब मैं तो यही करता हूँ ज्यादातर क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया इसमें 1/2 बार निकाल लिया यहां से, तो कितना बच गया x माइनस 7/2 और अंडर रूट। अब इसको कर दिया मल्टीप्लाई तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब बच्चों इन दोनों टर्म्स को लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। 1/2 1 अपॉन x माइनस 7/2 होल स्क्वायर x माइनस 7/2 अंडर रूट कितना बचा अंदर x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। अरे बाबा इसका कितना ऐड करोगे इधर 49/4 ऐड करोगे
और 49 बाई 4 सबट्रैक्ट करोगे ना, अब ये थोड़ी सिखाएंगे क्लास में, आता होगा ना बच्चों ये तो। और कितना बन गया ये, माइनस 1 बाई 4 बचेगा ना, देखो ये दोनों मिला के 12 माइनस 49 बाई 4 माइनस 48 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 को क्या लिख दूं मैं, माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर लिख दूं बच्चों। 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की जगह में कौन है यहाँ पे, लीनियर है कि नहीं है बताओ। dx लिखना तुम्हें नहीं भूलना है, मैं भूल जाऊंगा तो चलेगा, राइट है ना? यस सर। आंसर बोलो ना इसका आंसर, 1 बाई 2 सेकेंड वर्स x माइनस 7 बाई 2। अरे ये 1 बाई 2 तो बाहर है सर, पर ये 1 बाई 2 तो बाहर है, अब इसका इंटीग्रल लिखना है बच्चों, तो 1 अपॉन a भी आता है ना इसमें तो। हाँ सर वही, हाँ सर, 1 अपॉन 1 बाई 2 सेकेंड वर्स x माइनस 7 बाई 2 अपॉन कितना बच्चों, 1 बाई 2। ये 1 बाई 2 1 बाई 2 खत्म बच्चों, आंसर सेकेंड वर्स 2x माइनस 7 बाई 2 और बाई 2 ये सब कैंसिल, प्लस सी आंसर। गाइज इट्स अ मैटर ऑफ चांस दैट समटाइम्स व्हेन द कंटेंट इज इजी यू गाइज हैव टू गो फास्ट। एक फॉर्मुला कर लिया मानो, अरे फॉर्मुला एक एक क्वेश्चन ही दो, तो अब कोई पूछेगा एक क्वेश्चन कि यार ये इंटीग्रल के जो एलिमेंट्री फॉर्मूलाज है इस पे प्रैक्टिस क्यों, व्हाई टू गिव प्रैक्टिस ऑन बोर्ड, जस्ट गिव इट फॉर द होमवर्क। और बच्चों तुम्हें पता लग रहा है कि होमवर्क में सीधा ये देंगे ना तो भर भर के डाउट्स आएंगे, राइट? और तुम्हें जो होमवर्क मिलेगा ना बच्चों उसमें ट्रिगोनोमेट्री मैनिपुलेशन जिसका